हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो करने वाले हैं जहां मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने इसे कौन से 13 फीचर्स अनलॉक करवाए हैं अपनी VW Virtus में जो इन्होंने लॉक करके दिए हुए थे। तो पहला फीचर मैं आपको सामने से ही दिखा देता हूं। जब मैं इसको अनलॉक किया तो मेरी गाड़ी ने हॉर्न किया और हॉर्न करने के साथ साथ मेरी गाड़ी ऑन हुई। सेकेंडली ये एक दूसरा फीचर जो फर्स्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये है कि मैं लॉक करूँगा तो फिर उसकी आवाज़ भी आएगी, तो ये बीप ही मेरे को सिग्निफाई कर देगा कि मेरी गाड़ी लॉक हो गई है। अगर मेरी गाड़ी का कोई भी डोर अनलॉक्ड रह जाएगा तो फिर ये सिंगल बीप की जगह डबल बीप बजेगा, जिसकी वजह से मेरे को पता चल जाएगा कि नहीं भाई कुछ खुला रह गया, तो उसको अनलॉक करके आ सकता हूँ मैं। जैसे अब अपना स्टार्ट मैंने कर दी गाड़ी और मैंने इसको DRL पे कर दिया, तो अब मेरे फ्रंट DRL जैसे ऑन रहते हैं जो कंपनी ने दिए हैं ऑन, ये रहे वो फ्रंट के साथ साथ अब मेरे रियर DRLs भी ऑन हो जाएंगे। रियर DRLs कंपनी ने पता नहीं क्यों ऑफ करके दे दिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में और दिन में भी काफ़ी सुंदर लुक प्रोवाइड करते हैं। इसकी ब्रेक लाइट्स ऑन नहीं हुई है, सिर्फ DRL ऑन हुआ है, तो ये काफ़ी एक कंप्लीट लुक देता है कि फ्रंट एंड बैक दोनों DRLs ऑन हुए हैं। सेकेंडली एक और फीचर है, मैं आपको ज़रा अभी दिखाता हूँ वो। तो गाड़ी के अंदर आती मैंने दूसरा जो फीचर अनलॉक करवाया वो ये है, अब आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। स्टार्ट स्टॉप की इसकी पल्सेशन ऑन करवाई है मैंने कि जब इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो फिर ये ऐसे पल्सेट करेगा और जैसे एक हार्ट बीट होता है वैसे इसकी पल्स आपको दिखेगी। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ एक बारी और आपको इसके वर्चुअल कॉकपिट के दो चेंजेस दिखाता हूँ। फर्स्टली जो मैंने ओपन किया हुआ है इसका स्टेयरिंग एंगल डिस्प्ले, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स के साथ है जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि अब मैं स्टेयरिंग का एंगल चेंज कर रहा हूँ, इसका एंगल भी चेंज हो रहा है अंदर और बता रहा है कितना एंगल पे है। सेकंड फीचर जो यहाँ पे मैंने चेंज करवाया है वो ये है कि इसकी रीफ्यूल क्वांटिटी मैंने ऑन करवाई है, तो अब मेरे को पता ही चलेगा एग्जैक्टली कितना फ्यूल और आ सकता है गाड़ी के अंदर, जैसे 25 लीटर अभी दिखा रहा है ये। थर्ड फीचर जो वर्चुअल कॉकपिट में ही है वो ये है कि इसकी जैसे अभी 260 की रेंज बची है, 60 की जब हो जाएगी तो फिर इसका बजर नहीं बचता। वर्टुस में वेंटो जो मेरी वहाँ खड़ी है उसके अंदर बजर बचता था, इसके अंदर नहीं बचता, तो मैंने इसका वो ऑन करवा दिया है कि जब भी मेरी गाड़ी के अंदर 60 किलोमीटर की रेंज बचेगी तो वो बजर बजेगा, जिसकी वजह से मेरे को पता चल जाएगा कि रेंज कितनी बची है गाड़ी के अंदर। अब बाकी जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्टली इसका यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स डिस्प्ले ऑन करवा दिया है कि मेरे को टर्बो पता चलेगा कितना यूज़ हो रहा है PSI में। जैसे यहाँ पे 5.8 PSI जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो दिख रहा है। फिर मेरे पास RPM मीटर भी यहीं पे आ गया और गियर डिस्प्ले भी यहीं पे आ गया, स्पीडोमीटर भी यहीं पे है, फिर ऑयल टेम्परेचर ये रहा और फ्यूल ये रहा गाड़ी का, फिर टायर प्रेशर सिस्टम भी यहीं पे है, तो मेरे को टायर प्रेशर भी बताएगा कितना है गाड़ी के अंदर। तो अभी जैसे मैंने न्यूट्रल में डाल के रेफ करके दिखाता हूँ आपको एक बारी, न्यूट्रल हो गया ये, अब मैं रेफ करूँगा फिर देखो। अभी इसका सॉफ्ट लिमिटर लगा हुआ है 4000 RPM पे, तो अभी ये 10 PSI के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन RPM ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मूव होता हुआ। तो ये एक फीचर इसका अनलॉक यहाँ पे हुआ है। फिर अब बैक जाके मैं आपको इसको ऑफ रोड डिस्प्लेज दिखाता हूँ। तो ऑफ रोड डिस्प्लेज में फिर इसका व्हील एंगल यहाँ पे मेरे को दिखेगा, जैसे मैंने स्टेयरिंग यहाँ पे मूव किया तो उससे व्हील एंगल चेंज हो रहा है। फिर बाकी यहाँ पे इसका ऑल्टीट्यूड दिख रहा है कि मैं कितनी हाइट पे हूँ, 204 मीटर की हाइट पे हूँ मैं सी लेवल से। फिर ऑयल टेम्परेचर यहाँ दिखा रहे हैं एग्जैक्ट डिग्रीज में, 76 डिग्री सेल्सियस हो रहा है इसका। फिर बैक जाके एक फीचर इसका यहाँ से मैं आपको सेटिंग्स में दिखाता हूँ, कार में है वो। मैं जैसे यहाँ पे मैंने इसका कार खोला और नीचे गया मैं, तो जैसे मैंने आपको भी बाहर सुनाया था कि इसका ऑन ऑफ होते हुए वो आवाज़ आ रही थी हॉर्न की, तो यहाँ पे अकूस्टिक कन्फर्मेशन के नाम से है ये कि मैं इसको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ चाहूँ तो। कि अब मैंने ऑफ कर दिया तो अब गाड़ी अगर मैं लॉक करूँगा, एक बार आपको करके दिखा देता हूँ, तो फिर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके। अब गाड़ी का हॉर्न नहीं बजेगा क्योंकि मैंने वहीं से ऑफ कर दिया मेन अंदर से ही। अब मैंने इसको लॉक किया, नहीं बजाओ, अनलॉक करूँगा तो भी नहीं बजेगा। फिर एक फीचर बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ, विंडो रोल डाउन ऑटोमेटिक जो इसको वेंटो रैपिड पोलो हर चीज़ में आता था, और अब ये मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि पहले इसकी वैल्यू नहीं पता चलती थी इतनी कि रोल डाउन ही तो होता है, क्या फ़र्क पड़ता है इतना ज़्यादा, लेकिन जब गर्मी में बैठे हो आप दिल्ली जैसी जगह पर तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है इन सब छोटी छोटी चीज़ों से। अभी मैं जैसे स्टार्ट करके इसको अप कर दिया मैंने, और दो तीन चेंजेस यहाँ पे ये कराए हैं कि जब मेरी गाड़ी की स्पीड 80 पे होगी तो सिंगल बजर मेरा नहीं बजेगा, 120 पे होगी तो मेरा मल्टीपल बजर जो बजते रहते हैं वो भी नहीं बजेंगे। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर
स्टेयरिंग वेट इम्प्रूव करवाया है। स्टेयरिंग अब मेरा पहले से 10% ज़्यादा हैवी है, जो स्टॉक वर्टोस का आता है। वर्टोस का स्टेयरिंग थोड़ा सा लाइट है, स्पेशली इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दैट कार। वेंटो मेरी पीछे खड़ी है, शायद अभी दिख रही हो, वो रही पीछे। तो अब वेंटो से इस पे आओ तो बहुत लाइट लगता है, लेकिन ये स्टेयरिंग अब मैंने 10% हैवी करा लिया तो थोड़ा ज़्यादा अब मेरे को फील देता है। ये डायरेक्ट है, ये स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है गाड़ी और काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग भी करती है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा एडेड जो 10% वेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। फिर दूसरा फीचर जो मैंने इसका अनलॉक करवाया वो है इसका इम्प्रूव्ड थ्रॉटल। अब इसका जो थ्रॉटल है वो थोड़ा ज़्यादा शार्प है, हल्के से प्रेस करने पे ही थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। जो पहले थोड़ा लीनियर पुल देता था अब थोड़ा अग्रेसिवली पुल करता है। थर्डली इसकी ब्रेकिंग भी जो है वो शार्प हुई पड़ी है, ब्रेक मैंने इसकी थोड़ी सी शार्प करा दी थी। थ्रॉटल के साथ ही होता है, ये दोनों चीज़ें साथ में ही होती हैं। और एक ऑफिस, हाँ एक याद आ गया, जिसमें ये है कि एसी का ये जो सिंगल इसके बार्स हैं ये डिस्प्ले नहीं होते थे इसमें, जब एसी ऑटोमेटिक में ऑन करके रखो तो ये बार हट जाते थे। तो फिर अब मैंने ये दोनों चीज़ें साथ में ऑन करवा दी, जिससे कि अब ये तीनों चीज़ें मेरे को विजिबल है एट द सेम टाइम। तो अब मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। और एक फीचर और बचा है मेरे को आपको बताना, वो है इसकी टॉर्क वेक्टरिंग इम्प्रूव हो चुकी है, टॉर्क वेक्टरिंग विद XDS। अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि XDS होता क्या है, लेकिन मैं आपको टॉर्क वेक्टरिंग बस समझा देता हूँ। उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जब मैं गाड़ी कॉर्नर कर रहा हूँ और किसी कॉर्नर में जा रही है गाड़ी, तो मेरे टायर के इनर हाफ में ज़्यादा ग्रिप होगी उस टाइम पे, और उस टाइम पे ब्रेक को प्रोवाइड, ब्रेक करते हुए गाड़ी ज़्यादा ग्रिप प्रोवाइड करेगी उस टायर को जिसके अंदर ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रही है। तो इससे मेरी कॉर्नरिंग बेटर हो जाएगी और जो इसका अंडर स्टीयर होता है फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स में वो नहीं होगा, और इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा फन टू ड्राइव हो जाएगी, जबकि ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छी है चलने में और काफ़ी मज़ा आता है चलाने में। सो ऑल इन ऑल यही फीचर्स है, 13 फीचर्स मैंने इसके अनलॉक करवाए। एक मैंने नहीं करवाया, वो है इसका रियर में पार्किंग इंडिकेटर, जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बीच में पुट करके दिखा दूंगा कि जो मेरे इंडिकेटर्स हैं वो मैंने ऑन नहीं करवाया, कि जो DRL है उसके साथ ऑन होने का ऑप्शन था मैंने ऑफ करवा दिया वो, क्योंकि मेरे को इतना सुंदर नहीं लग रहा था देखने में, मैंने सिर्फ रियर DRL ऑन करवाया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक दिस वीडियो एंड गिव इट अ बिग थम्स अप। और मैं इसके 2-3 और मैंने कॉस्मेटिक चेंजेस करवाए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत जल्द। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।